हेलो एवरीवन, दिस इज आज हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरप्रेटर एंड हाउ अ जावा प्रोग्राम रन सो लेट मी रिपीट अगेन इन हिंदी आज हम लोग कंपाइलर इंटरप्रेटर और जावा प्रोग्राम कैसे कंप्यूटर में रन करता है ठीक है पूरा प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ओके okay, आई थिंक ये वीडियो पंद्रह मिनट से ऊपर ही जाएगा सो so थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो तुम लोगों के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये ऐसी चीज़ें हैं खासकर क्लास नाइन टेंथ के जो स्टूडेंट होते हैं इवन इलेवन ट्वेल्थ या फिर कुछ तो ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट होते हैं जिनको क्लियर नहीं होता है सो लेट्स टॉक अबाउट इट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है ओके हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है set of instruction set of instructions okay और एक किस लैंग्वेज में लिखा रहता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो सकता है मे बी सी में लिखा हो या फिर सी प्लस प्लस लीग में लिखा हो या फिर जावा में लिखा हो ठीक है अभी हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा लैंग्वेज की बात करेंगे सो so, हमने एक प्रोग्राम लिखा जावा लैंग्वेज में सो so, प्रोग्राम मतलब क्या प्रोग्राम मतलब हमने कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के दिया कि ओके okay ब्रो ये मैंने लिख के तुम्हें दे दिया अब एक पढ़ो जो लिखा है उस वर्क को परफॉर्म करो सिंपल दिस इज कंप्यूटर प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर ओके सो प्रोग्राम क्लियर हो गया अब कंप्यूटर की बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है अब आई नो इसमें बहुत सारे लोग का बहुत सारा डेफिनेशन होगा कोई बोलेगा कंप्यूटर इज जो मशीन विच कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट प्रोसेस करता है डेटा लेके उसको इवेल्युएट करके हमें आउटपुट देता है बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बट सपोज अगर एक गांव वाला कोई गांव का आदमी हो ठीक है मैं गांव बोल के किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूं गांव का मतलब इन सेंस वो पढ़ा लिखा ना हो ठीक है अगर सपोज वो कहीं ऐसी जगह से है जहां पे बिल्कुल उसको एजुकेशन नहीं मिल पाई है अचानक दिन वो शहर में आता है देखता है कंप्यूटर हालांकि अब तो गाँव में भी कंप्यूटर हो गए हैं और फिर उसे कोई बोले कि भाई ये है क्या जो सामने तुम्हें दिख रही है तो उसका आंसर क्या होगा यही बोलेगा कि सर ये तो टीन का डब्बा है लोहे का डब्बा है और आई थिंक सच भी है कंप्यूटर और क्या है अगर कंप्यूटर को ध्यान से देखो जो कम सामने कंप्यूटर रखा हुआ है या फिर मोबाइल रखा हुआ है लैपटॉप रखा हुआ है क्या है वो कुछ मेटल से ही तो बने हैं अदर देन मेटल उस कंप्यूटर में क्या है नथिंग सो क्वेश्चन है कंप्यूटर वर्क कैसे करता है कंप्यूटर के वर्क करने के पीछे एक जो सबसे बड़ी चीज की चीज़ का रोल है वो क्या है वो है हमारा एनर्जी और ये एनर्जी कंप्यूटर को किस फॉर्म में मिलता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ओके okay? क्योंकि कंप्यूटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं चाहे उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिले या फिर बैटरी से मिले तभी वो वर्क करता है तभी कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस होगा अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी ना मिले यानी एनर्जी ना मिले तो कुछ भी कंप्यूटर कोई काम कर पाएगा नहीं करेगा ऑब्वियस बात है अगर कंप्यूटर को एनर्जी ना मिले तो यानी वो का एक डब्बा है उससे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है नथिंग सबके हाथ में आई थिंक मोबाइल होगा अगर उस मोबाइल का बैटरी निकाल दो क्या मतलब मोबाइल चाहे दस लाख का मोबाइल हो उसके होने या ना होने से क्या मतलब है ठीक है तो कंप्यूटर काम तभी करेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यानी हमारा कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ समझता है ठीक है पहला जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं चाहे बैटरी से कनेक्ट करें या किसी भी चीज़ से ठीक है तो इसके कंप्यूटर में जितने प्रोसेसर है मदरबोर्ड है जितने सारे अंदर सर्किट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है ठीक है सबने पढ़ा होगा ना नाइन टेंथ में चार्ज फ्लो करता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है और उसको हम बोलते हैं ऑन फेज यानी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के वायर में फ्लो कर रही है कंप्यूटर में फ्लो कर रही है और जब ऑफ कर देते हैं यानी बैटरी निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ऑफ फेज यानी कंप्यूटर सिर्फ दो चीज समझता है पहला ऑन और दूसरा ऑफ और हम ह्यूमन इस चीज को आसान करने के लिए खुद समझने के लिए ऑन को हमारा जो ऑन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन से और जो ऑफ है इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से यानी हम ये बोल सकते हैं कंप्यूटर सिर्फ वन और जीरो समझता है ठीक है और ये वन जीरो का जो लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज ओके सो इतना क्लियर हो गया कंप्यूटर सिर्फ दो चीज समझता है पहला ऑन जब चार्ज फ्लो कर रहा हो दूसरा ऑफ जब फ्लो ना कर रहा हो और इसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ऑन On को वन और ऑफ को जीरो यानी कंप्यूटर सिर्फ वन जीरो सिर्फ यही समझता है इसके अलावा सी सी प्लस प्लस जावा कुछ भी नहीं समझता ओके okay? सो so, अब यहां पे क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि भाई यहां पे मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैं बाकी सब हटा देता हूं ये सब मैं मिटा देता हूं यहां पर हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया ये सारा बैटरी और सब मैं मिटा देता हूँ ओके सो यहाँ पे जावा लैंग्वेज में ये जावा लैंग्वेज में मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया मान लो कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है ठीक है ये मैंने लिख दिया कंप्यूटर में लिखा और जब मैं कंप्यूटर में रन करूंगा तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा इसको रीड करेगा और रीड करके आउटपुट जनरेट करेगा जैसे मैंने अगर इसमें प्रोग्राम में मैंने लिखा है कंप्यूटर को लिख के मैंने बोला है कि भाई अपनी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ जाएगा स्क्रीन पे देखोगे आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड ओके तो ये कैसे हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम तो जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना जावा लैंग्वेज कैसा होता है जावा लैंग्वेज कुछ ऐसा होता है जैसे क्लास ए बी सी फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक सो सम वॉट लाइक इंग्लिश ठीक है तो अभी मैंने बोला कंप्यूटर तो सिर्फ जीरो वन समझता है जीरो एंड वन तो इसे समझ कैसे रहा है जो जावा लैंग्वेज है इसको समझ कैसे रहा है ओके सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि भाई ये दोनों लोग समझ सकें कंप्यूटर भी समझ सके ठीक है हालांकि कंप्यूटर नहीं समझता है कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर होता है वो समझता है अभी हम लोग उसकी बात करेंगे अभी हम कंप्यूटर ही मान लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरीके से बनाया गया है कि ये दोनों लोगों के लिए क्या हो सहूलियत हो यानी हम ह्यूमन बीस को समझ सकें ठीक है और जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर बैठा होता है अभी उसके बारे में हम बात करेंगे मैं यहाँ टी से डोनेट कर रहा हूं कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जो इस लैंग्वेज को जावा में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है यानी जीरो वन में कन्वर्ट करता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा बनाया गया है कि हम ह्यूमन भी समझ सकें और हमारा जो ट्रांसलेटर है जो मैं यहाँ टी से डोनेट कर रहा हूँ ये भी समझ सके ठीक है क्योंकि ट्रांसलेटर समझेगा तभी जीरो वन में कन्वर्ट करेगा और हमारे कंप्यूटर को समझ में आएगा क्लियर हुआ सो so, इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है फाइन तो अब हम इस ट्रांसलेटर की बात करते हैं जो टी जहां मैं सर्कल कर रहा हूं जो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर रहता है इसके बारे में बात कर रहा हूं जावा का प्रोग्राम रन रन कराते हैं तो उसमें ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है और ट्रांसलेटर का रोल कैसे होता है अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सो so, अभी मैंने बताया अब ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं आई नो ये बहुत खिचपिच हो गया है बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें अगर मैं खिचपिच नहीं करूंगा तो समझ में भी नहीं आएगा सो so, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ता है ओके so, सो ये सब मैं हटा देता हूँ अब पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर के बारे में ट्रांसलेटर होता क्या है ट्रांस सिंपली ट्रांसलेटर का मतलब जैसे ह्यूमन में भी ट्रांसलेटर होते हैं ना एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है भाई इसको चाइनीज आती है ठीक है और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है इसको फ्रेंच हाँ क्या हो रहा है एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और इसको मान लेते हैं इसे फ्रेंच आती है ठीक है अब इन दोनों को आपस में कोई बिजनेस मीटिंग करना है इन दोनों को आपस में कोई बिजनेस डील करनी है तो भाई इसको तो चाइनीज आती है और कोई लैंग्वेज आती नहीं और इसको फ्रेंच आती है और कोई लैंग्वेज आती नहीं तो दोनों कैसे बात करेंगे तो दोनों ने क्या किया बीच में एक थर्ड पर्सन को बुला लिया इस थर्ड पर्सन को दोनों आता है चाइनीज भी आता है और फ्रेंच भी आता है तो थर्ड पर्सन क्या करेगा इसकी बात सुनेगा जो ये चाइनीज में चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फ्रेंच में और फिर इसको बता देगा ओके फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी तरह इसकी बात फ्रेंच लैंग्वेज में सुनेगा और फिर कन्वर्ट करके इसको चाइनीज लैंग्वेज में समझा देगा तो बेसिकली ये क्या है हमारा एक ह्यूमन ट्रांसलेटर है ठीक तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर क्या होता है हमारे कंप्यूटर में भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात करें कंप्यूटर की भी बात करें तो वहाँ पे भी ट्रांसलेटर समॉट वही काम करता है चाहे हम प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखें सी जावा पी एच पी एनी लैंग्वेज कंप्यूटर वो नहीं समझने वाला क्योंकि कंप्यूटर मैंने अभी बताया सिर्फ दो चीज़ समझता है जीरो वन उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता नथिंग नथिंग ठीक है कंप्यूटर सिर्फ जीरो वन समझता है सो so, कंप्यूटर में हमारे ट्रांसलेटर तीन तरीके के होते हैं ट्रांसलेटर हमारे कंप्यूटर में तीन तरीके को होते हैं जो पहला ट्रांसलेटर है उसका नाम है कंपाइलर जो दूसरा ट्रांसलेटर है इसका नाम है इंटरप्रेटर और जो हमारा तीसरा ट्रांसलेटर है इसका नाम है असेंबलर ठीक है तीनों सेम काम करते हैं कंपाइलर भी यही करता है जैसे मान लो एक कंप्यूटर है एक कंप्यूटर है ठीक है और हमने एक प्रोग्राम लिखा प्रोग्राम किस लैंग्वेज में है जावा लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में हो अब हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर बैठा हुआ है ठीक है अब मैं कंप्यूटर के अंदर नहीं बनाऊंगा बाहर बना देता हूँ यहाँ पे कंपाइलर को बना देता हूँ तो ये प्रोग्राम जाएगा कहाँ पे? पहले कंपाइलर के पास जाएगा और कंपाइलर जो है उसको जावा आती है समझ में कंपाइलर क्या करेगा प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में जीरो वन जीरो जीरो वन ठीक है कंप्यूटर समझ जाएगा एग्जीक्यूट करेगा फिर अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा ठीक सॉरी ये एरो नहीं होगा मतलब कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पर ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कंपाइलर भी सेम यही काम करता है और असेंबलर भी सेम यही काम करता है तो भाई ये तीन तीन ट्रांसलेटर क्यों है तीनों में थोड़ा डिफरेंस है डिफरेंस क्या है इसको समझ लेते हैं हालांकि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है ठीक है सो मेन डिफरेंस तीनों में क्या है मेन डिफरेंस ये है हमारा जो कंपाइलर होता है हमारा जो कंपाइलर होता है ये पूरे लैंग्वेज को पूरे के पूरे प्रोग्राम को सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा है प्रोग्राम में कुछ 20-25 लाइन के इंस्ट्रक्शंस हैं तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार में ही रीड करके कन्वर्ट कर देता है किस में मशीन कोड में ठीक है और फिर जितने एरर्स होते हैं मतलब इस प्रोग्राम में जितनी गलतियाँ हमने की है भाई प्रोग्राम का कुछ रूल्स होता है ना तो जितने गलतियाँ हमने की होंगी वो सारे कंपाइलर बता देगा क्लियर हुआ इंटरप्रेटर भी सेम यही काम करता है सपोज कुछ प्रोग्राम है बीस पच्चीस लाइन का बट इंटरप्रेटर पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करने के बाद एरर नहीं बताता है कंपाइलर क्या कर रहा था पूरा प्रोग्राम पहले इसने रीड कर लिया उसके बाद टोटल जितने एरर थे सारे एरर हमको बता दिया ठीक है और एरर सही करने के बाद सारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया या फिर बाइट कोड में ठीक है और बाइट कोड क्या होता है भी बात करेंगे इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन रीड करता है पहले एक लाइन को रीड करेगा फिर उसको एरर होगा हमको बताएगा हम सही करेंगे फिर दूसरे लाइन को तीसरे लाइन को चौथे लाइन को यानी ये लाइन बाय लाइन रीड करता है तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है असेंबलर क्या होता है हालांकि डिफरेंस और भी हैं ठीक है बट अभी वो जानना तुम लोग को जरूरी नहीं है बेसिकली मैं वीडियो जो है आ, बहुत बेसिक जो जो लोग भी स्टार्ट किए हैं जावा में उनके लिए बना रहा हूँ ठीक असेंबलर क्या करता है इसको हमें जानने की जरूरत ही नहीं है इसका रिलेशन असेंबली लैंग्वेज से है ठीक है जो तुम्हें नहीं पढ़ना है वो ग्रेजुएशन करोगे तो पढ़ोगे ठीक तो अब हम बात करते हैं जावा की ओके okay, जावा से पहले हर लैंग्वेज के लिए हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज होता है जैसे सी सी लैंग्वेज में हमारा इंटरप्रेटर यूज हुआ है ठीक है उसी तरीके से जावा जावा लैंग्वेज में कौन सा यूज हुआ है एक्चुअली जावा लैंग्वेज में दोनों यूज हुआ है कंपाइलर भी यूज हुआ है इंटरप्रेटर भी यूज हुआ है तो भाई अब दो दो ट्रांसलेटर यूज हुए एक ही लैंग्वेज में मतलब ये कोई ऐसी बात हो गई कि ये चाइनीज था और ये फ्रेंच वाला था ठीक है तो अब यहाँ पे बीच में दो दो ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं ठीक है तो इसका फायदा क्या होगा इसका फ़ायदा क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे उसको ठीक है तो इतना क्लियर हो गया जावा लैंग्वेज में दो ट्रांसलेटर यूज़ हुआ है पहला कंपाइलर जिसका नाम क्या है जिसका नाम है जावा सी तुम लोगों ने कितनी बार देखा होगा प्रोग्राम रन करते टाइम हम लिखते हैं जावा सी और दूसरा है इंटरप्रेटर इसको हम जे भी बोलते हैं यानी जावा वर्चुअल मशीन ठीक है और इसको सिर्फ जावा भी बोलते हैं क्लियर हो गया ओके okay. तो चलो अब देखते हैं जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है ठीक अब देखते हैं हम कि जावा प्रोग्राम रन कैसे होता है एक चीज इसमें ये ध्यान देना कि मैं बहुत इस चीज को सिंप्लीफाइड uh, करके तुम लोगों को बता रहा हूं ठीक है मैं जितना इसको आसान बता रहा हूं इतना भी नहीं है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं बट अभी तुमको नहीं जानना है ठीक है अभी ये बेसिक है क्योंकि अगर तुमने अभी प्रोग्रामिंग शुरू किया है मे बी दो महीने तीन महीने या छः महीने के एक्सपीरियंस हो तुम्हें प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा नहीं हो और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर आगे जैसे जैसे पढ़ोगे इसमें और भी सारी चीजें हैं ठीक है वो सब धीरे धीरे जानोगे फाइन तो इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं हमारा जो कंपाइलर होता है इसको दो लैंग्वेज आता है तो दो लैंग्वेज कौन कौन सा पहला जावा अब मैं जावा कंपाइलर की बात कर रहा हूं मैंने बताया ना कि जब कंपाइलर जरूरी नहीं है सिर्फ जावा में भी होगा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर उनका भी होता है ठीक है तो जो जावा का कंपाइलर है उसको दो लैंग्वेज आता है पहला जावा और दूसरा बाइट कोड अब ये डिबेटबल है कि बाइट कोड भाई लैंग्वेज है कि नहीं एक्चुअली बाइट कोड भी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ठीक है बाइट कोड भी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज ही है जिसको सिर्फ दो लोग समझ पाते हैं पहला कंपाइलर दूसरा इंटरप्रेटर अभी समझ में आएगा तुम लोग को ठीक है बाइट कोड को हम ह्यूमन नहीं समझ सकते ना हम ह्यूमन समझ सकते हैं ना हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर समझ सकता है इसको सिर्फ दो सॉफ्टवेयर क्योंकि कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर खुद एक सॉफ्टवेयर है तो इस बाइट कोड को सिर्फ दो लोग समझते हैं पहला कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर तो हमारे जावा कंपाइलर को दो लैंग्वेज आता है कौन कौन सा जावा और बाइट कोड और दूसरा है इंटरप्रेटर जावा का इंटरप्रेटर जावा इंटरप्रेटर इस इंटरप्रेटर को भी दो लैंग्वेज आता है कौन कौन सा पहला बाइट कोड और दूसरा मशीन कोड मशीन कोड यानी वही बाइनरी लैंग्वेज ठीक क्लियर हो गया कंपाइलर को दो लैंग्वेज आता है जावा और बाइट कोड इंटरप्रेटर को भी दो लैंग्वेज आता है बाइट कोड और मशीन कोड यानी बाइनरी लैंग्वेज ठीक अब हम देखते हैं प्रोग्राम रन कैसे करता है सपोज इसे मैं मिटा देता हूं हमने जस्ट अ मिनट मैं बस इसको यहाँ पे मिटा लूँ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक हैं बट अगर ये किसी का क्लियर नहीं होगा तो प्रोग्राम फिर नहीं समझ में आएगा मे बी तुम प्रोग्राम लिखना सीख जाओ बट एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो कभी क्लियर नहीं होगा ठीक है ओके okay. तो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो होता क्या है सपोज़ मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर में ठीक है इस प्रोग्राम का नाम है डेमो डॉट जावा और इस प्रोग्राम को तुमने कहीं सेव कर लिया एक डेस्कटॉप नाम का तुम्हारा फोल्डर है डेस्कटॉप फोल्डर कंप्यूटर में होता है ना तो तुमने डेस्कटॉप फोल्डर में सेव कर लिया इसको डेमो डॉट जावा सेव कर लिया ओके okay? अब हम प्रोग्राम को सबसे पहला स्टेप है कंपाइल करते हैं कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि हम कंपाइलर को बुलाते हैं मैं फिर से यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि जो हमारा कंपाइलर है उसको दो लैंग्वेज आता है कौन कौन सा जावा और दूसरा बाइट कोड और जो इंटरप्रेटर है उसको भी दो लैंग्वेज आता है कौन कौन सा पहला बाइट कोड और दूसरा मशीन कोड मशीन कोड मतलब जीरो वन जीरो सो हमने प्रोग्राम लिख लिया डेस्कटॉप पे सेव कर दिया अब इसको कंपाइल करेंगे कंपाइल कैसे करते हैं कंपाइल करने के लिए हम कंपाइलर को बुलाते हैं तो याद करो कंपाइलर का नाम मैंने क्या बताया था जावा सीना तो हम लिखेंगे जावा कहां पे लिखेंगे ये चीज ये चीज हम लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में ठीक कमांड प्रॉम्प्ट को मैं दूसरी जगह बना देता हूं कमांड प्रॉम्प्ट क्या है सब लोग जाना जहां पे विंडो अगर यूज कर रहे हो तो सर्च का ऑप्शन होगा वहां पे सीएमडी लिखना ठीक है एक ब्लैक बॉक्स टाइप का आ जाएगा उसको ओपन करना वही कमांड प्रॉम्प्ट होता है और अबंटू अगर यूज करते हो या लिनक्स यूज करते हो तो उसमें उसको टर्मिनल बोलते हैं ठीक है so, सो कंपाइलर को कैसे बुलाते हैं हम प्रोग्राम सेव करने के बाद लिखते हैं जावा इस मॉल में जावा सी और फिर प्रोग्राम का नाम हमने कंपाइलर को बुलाया और मैंने कंपाइलर को बोला कि भाई ये जो प्रोग्राम है डेमो डॉट जावा इसको एग्जीक्यूट करो तो कंपाइलर क्या करेगा डेस्कटॉप पे जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम सेव है डेमो डॉट जावा इसको एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या दो काम करेगा पहला देखेगा कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है पहला काम ये करेगा कि देखेगा प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है और अगर एरर हुआ तो तुरंत यहाँ पे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में ही हमको यहां पे एरर बता देगा हम जाएंगे एरर सही करेंगे और उसके बाद फिर से लाइन लिखेंगे जावा सी डेमो डॉट जावा ठीक है फिर जब कोई भी एरर नहीं होगा तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा हमारा जो प्रोग्राम है उसको एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम बोलते हैं बाइट कोड तो कंपाइल करने के बाद जावा सी डेमो डॉट जावा लिखने के बाद एंटर करना और अगर कोई एरर नहीं आया तो वापस डेस्कटॉप पे जाके देखना डेस्कटॉप पे एक और फाइल बन गई होगी अपने आप जिसका नाम होगा सेम नाम डेमो लेकिन इस बार डॉट जावा नहीं होगा इस बार वहां पे लिखा होगा डॉट क्लास अभी जो नई फाइल बनी इसमें यह इस सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है ये जो प्रोग्राम तुमने यहां पे लिखा था वो सेम प्रोग्राम यहां भी लिखा हुआ है बट ये किस लैंग्वेज में है ये हमारा बाइट कोड लैंग्वेज में है ठीक है क्लियर हुआ तो हमारा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया अब हम किसको बुलाएंगे अब इंटरप्रेटर को क्योंकि कंप्यूटर तो अब भी नहीं समझ पाएगा यार प्रोग्राम को अब हम किसको बुलाएंगे इंटरप्रेटर को क्योंकि इंटरप्रेटर बाइट कोड समझता है तो हम इंटरप्रेटर को बुलाएंगे बोलेंगे बाइट कोड में जो लिखा हुआ है इसको रीड करो और किसमें कन्वर्ट करो जीरो मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ पाए और कंप्यूटर उसको रीड करे और जो काम करने के लिए बोला गया वो करे ठीक है तो कैसे बुलाएंगे हम इंटरप्रेटर को इंटरप्रेटर को बुलाने के लिए हम लिखेंगे जावा मतलब इंटरप्रेटर का नाम ठीक है मैंने बताया था ना जावा का एक नाम इंटरप्रिटर का एक नाम जावा भी है और फिर प्रोग्राम का नाम तो इस बार कौन सा फाइल हमें एग्जीक्यूट करना है डॉट जावा वाला है डॉट क्लास वाला डॉट क्लास वाला करना है जो बाइट कोड है तो जावा के बाद क्या लिखेंगे डेमो इस बार डॉट जावा यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर डॉट जावा लगाएंगे तो पहला वाला फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है अब जैसे ही जावा डेमो लिखने के बाद हम एंटर करेंगे हमारा इंटरप्रेटर तुरंत क्या करेगा हमारा जो प्रोग्राम है हमारा जो प्रोग्राम है डेमो डॉट क्लास इसको किस में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड ज़ीरो वन जीरो वन में और कंप्यूटर उसको रीड करेगा एग्जीक्यूट करेगा अपने आंसर जनरेट कर देगा ठीक है यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ डेमो डॉट जावा ये प्रोग्राम किसके पास गया ये प्रोग्राम गया कंपाइलर के पास जब हमने कंपाइलर को बुलाया कैसे बुलाया था जावा सी और प्रोग्राम का नाम डेमो डॉट जावा लिख के ठीक है कंपाइलर क्या करेगा बाइट कोड जनरेट कर देगा क्या जेनरेट करेगा बाइट कोड मतलब सेम जो डेमो डॉट सेम प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में और ये जो बाइट कोड की फाइल होगी इसका नाम होगा डेमो डॉट क्लास अब ये फाइल को कौन रीड करेगा हम इंटरप्रेटर को बुलाएंगे तो इंटरप्रेटर को कैसे बुलाएंगे हम उसके लिए हम लिखेंगे इंटरप्रेटर को बुलाने के लिए हम लिखेंगे जावा इंटरप्रेटर का नाम और फिर प्रोग्राम इस फाइल को रीड करना है ना तो इस फाइल का नाम क्या है डेमो डॉट क्लास तो बेस्ट डेमो लिखेंगे डॉट क्लास नहीं लिखेंगे ठीक है जैसे ही एंटर करेंगे इंटरप्रेटर क्या करेगा ये जो हमारा फाइल है डेमो डॉट क्लास इसको किसमें कनोर्ट कर देगा एक नए फाइल में जिसमें सेम प्रोग्राम होगा बट जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में लिखा रहेगा अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर रीड करेगा जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में जो प्रोग्राम है इसको कंप्यूटर हमारा रीड करेगा और रीड करने के बाद यहां पे आउटपुट जनरेट करेगा अपने स्क्रीन पे क्लियर हुआ सबको ओके तो ये तो ग्राफिकली मैंने समझाया आई नो बहुत इसमें मैंने खिंचपिच किया है सो अभी का प्रोग्राम में इसको देख लेते हैं ठीक है ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम है दिख रहा है ये सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम है और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ये मैं वी एस कोड यूज कर रहा हूँ इसमें इनबिल्ट हमारा होता है टर्मिनल टर्मिनल हम चाहूँ चाहूँ मैं तो यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ ये यह देखो यहाँ पे इसके नीचे टर्मिनल दिया हुआ है अगर विंडो में यूज़ कर रहे हो तो विंडो में यहाँ पे स्टार्ट करके होता है वहाँ पे सर्च करना और सी लिखना तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा ठीक है और फिर जिस फोल्डर में तुम प्रोग्राम लिखे हो उस फोल्डर में टर्मिनल के थ्रू जाना होगा ठीक है चलो मैं यहाँ टर्मिनल के थ्रू करके दिखा देता हूँ तो मैं जिस फोल्डर में प्रोग्राम लिखा हूँ वो फोल्डर थोड़ा सा पाथ बहुत लंबा है मेरे डेस्कटॉप पे देखो यहाँ पे नीचे देखो टर्मिनल में डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप स्टफ़ करके उसके अंदर एक फ़ोल्डर है टीच करके उसके अंदर एक फोल्डर है यूट्यूब उसके अंदर एक फोल्डर है टीच विथ वी कोड और उसके अंदर फोल्डर है थ्यूरी तो इतने सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर फोल्डर के अंदर फोल्डर तो हमारे थ्यूरी फोल्डर में हमारा प्रोग्राम है तो हमें पहले थ्यूरी फोल्डर में जाना पड़ेगा सो so, uh, मैं इस कोंडा को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ इससे तुम लोग कोई मतलब नहीं है भाई ये अलग चीज़ है इस पर ध्यान मत देना तो चलो तो पहले हमें सबसे पहले किस फोल्डर में जाना है यहाँ देखो डेस्कटॉप में दिख रहा है सबसे पहले हमें डेस्कटॉप में जाना है तो फोल्डर चेंज करने के लिए हम लिखते हैं सी फोल्डर को हम डायरेक्ट्री भी बोलते हैं और सी डी का मतलब चेंज डी का मतलब डायरेक्ट्री तो चेंज डायरेक्ट्री कहाँ जाना है डेस्कटॉप पर सो डी ई एस डेस्कटॉप का डी कैपिटल होगा फोल्डर नेम यूजुअली कंप्यूटर में कैपिटल लेटर से होता hmm. है so, जितने हमारे डिफॉल्ट फोल्डर नेम्स होते हैं अब फिर कहाँ जाना है डेस्कटॉप स्टफ तो फिर लिखेंगे सी डी स्टफ ठीक है फिर सी डी अब कहाँ जाना है टीच फिर टीच के अंदर यूट्यूब फोल्डर में तो सी डी फिर यूट्यूब के अंदर टीच विथ वी एस कोड तो सी डी फिर उसके अंदर थ्योरी सो सी डी ओके गए हम इस फोल्डर में सो so, देखो ये दिख रहा है सेम यही पाथ नीचे जो मेरा वी एस कोड का टर्मिनल है इसमें भी यहां पे सेम पाथ शो कर रहा है तो बेसिकली मैं वही बता रहा था कि ये जो मेरा टर्मिनल है ये वी एस कोड में पहले से बिल्ट रहता है तो हमें अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है तो चलो इसमें रन करते हैं पहले से टर्मिनल ओपन है और हम थ्योरी फोल्डर में भी हैं और ये देखो साइड में दिख रहा है थ्योरी फोल्डर में सिर्फ एक प्रोग्राम है डेमो डॉट जावा दिख रहा है ना सिर्फ एक प्रोग्राम है अब देखना जैसे ही कंपाइल करूंगा क्या होगा कंपाइल करने के लिए किसको बुलाऊंगा जावा सी कंपाइलर का नाम और फिर प्रोग्राम का नाम तो प्रोग्राम का नाम क्या है डेमो डॉट जाओ अब देखो एंटर करूंगा तो क्या होगा ध्यान देना देखो सेम फोल्डर में डेमो डॉट क्लास की एक और फाइल आ गई अभी तुम इसको ओपन करोगे तो बहुत कुछ वियर्ड सा कोड दिखेगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ठीक है तुम देखो यहां पे मैं इसके थ्रू जा रहा हूँ यहाँ पे थ्योरी को मैं ओपन करता हूँ देखो यहाँ पे डेमो डॉट क्लास ठीक है अब इसको तुम ओपन करोगे तो चलो ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली तो ओपन हो भी नहीं रहा है बेसिकली एडिटर से शायद ओपन हो ठीक है इसमें टाइम बर्बाद करने का मतलब नहीं है ओपन करके देख लेना वो बहुत वियर्ड सा कोड होगा कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है अब हम किसको बुलाएंगे अब हमारा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है और बाइट कोड में कहाँ पे है प्रोग्राम है डेमो डॉट क्लास फाइल में तो अब डेमो डॉट क्लास फाइल को हमें इंटरप्रेटर को बोलना है कि डेमो डॉट क्लास फाइल को क्या करो एग्जीक्यूट करो तो क्या लिखेंगे जावा इंटरप्रेटर का नाम और फिर कौन सा फाइल एग्जीक्यूट करना है डेमो डॉट क्लास सो डेमो सॉरी डेमो बस डेमो डॉट क्लास यहाँ नहीं लिखते हैं एंटर करते हैं देखना वर्ल्ड आउटपुट आ जाएगा आ गया आउटपुट वर्ल्ड देखा कंप्यूटर ने अपना आउटपुट जनरेट कर दिया ओके सो थैंक यू वेरी मच ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये जो बेसिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वन मोर थिंग जो लोग भी ये वीडियो देखो ठीक है अपना फीडबैक नीचे दो कि समझ में इस वीडियो से समझ में आया कि नहीं इससे मुझे हेल्प मिलेगा कंटेंट को इम्प्रूव करने में ठीक है मुझे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यूजली मैं क्लास में ऐसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को समझ में आता है बट आई डोंट नो या वीडियो के थ्रू स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं तो वीडियो देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स दो ठीक है नीचे कमेंट करके बताओ कि कितना समझ में आ रहा है सो so, अगर इम्प्रूव करने का ज़रूरत हो तो मैं कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ ठीक है थैंक यू